हेलो दोस्तों, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। जैसा कि आज हमारे देश में खुशी का माहौल है, आज आज़ादी के दिन को याद किया जा रहा है कि आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारे देश को आज़ादी मिली थी अंग्रेज़ों की गुलामी से। लेकिन अफसोस की बात भी है, अफसोस की बात यह है कि हम लोग आज़ाद भारत में रहते हैं, लेकिन कुछ नेतों की वजह से हम लोग आज़ादी की ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं। हमारा देश बर्बादी की तरफ जा रहा है, हमारे देश को लूटा जा रहा है, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वही दिन आ गया है। तो दोस्तों, एक बार हम लोग को फिर से तैयार होना होगा अपने देश को अच्छे से आज़ाद कराने के लिए। तो इसी बीच हम देख रहे थे, तो हमको कहीं से एक बेहतरीन सा जो लाइन मिला है, जो ताबिश रेहान का लिखा हुआ, उसको मैं दोहराना चाहता हूँ। और जब आप लोग उस पर गौर करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कहना क्या चाह रहा हूँ। और हमारे देश में जो कुछ अभी चल रहा है, जैसी राजनीति हो रही है, वो सब आपको इस लाइन से पता चलेगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। आप देख रहे हैं बिहार आसपास, आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी देंगे, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को आगे पहुँचाने का काम करेंगे ताकि सब देखें, सबको पता चले। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐ मेरे प्यारे हिंदुस्तान, मुहाफिज है तेरे नादान, खुदा ही खैर करे, खुदा ही खैर करे। ऐ मेरे प्यारे हिंदुस्तान, मुहाफिज है तेरे नादान, खुदा ही खैर करे, खुदा ही खैर करे। किया है तूने जिन्हें आबाद, किया है तूने जिन्हें आबाद, उन्हीं ने तुझको किया बर्बाद, खुदा ही खैर करे, खुदा ही खैर करे। और ये चीज़ देखिएगा, ये तो बिल्कुल हमारे देश में हो रहा है कि जो नाम पे मंदिर मस्जिद के, धर्म की राजनीति, के जो नाम पे मंदिर मस्जिद के लोगों को लड़ाने वाले हैं, के जो नाम पे मंदिर मस्जिद के लोगों को लड़ाने वाले हैं, जो आर में मजहब की अपनी दुकान चलाने वाले हैं, जो आर में मजहब की अपनी दुकान चलाने वाले हैं, कि वो जालिम शरकस और मगरूर, वो जालिम शरकस और मगरूर बने हैं तेरे लिए नासूर, खुदा ही खैर करे, खुदा ही खैर करे। अब तो जैसा लगता ऐसा लगता है कि मोहब्बत हमारे देश से ख़त्म ही हो चुका है। हर जगह नफरत, नफरतबाजी, हर जगह नफरत बोया जा रहा है, कि वो प्यार मोहब्बत मेहर वफा का दर्स किसी को याद नहीं। जैसे कि हमारे देश को आज़ाद कराने में सभी का योगदान है, सभी का योगदान है। आगे आएगा और आप लोग सुनेंगे किन किन का योगदान है। सबका तो नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन कुछ शख्सियत है जिनको मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ। कि वो प्यार मोहब्बत मेहर वफा का दर्स किसी को याद नहीं, अब कोई यहाँ गांधी नेहरू अशफाकुल्ला आजाद नहीं। वो प्यार मोहब्बत मेहर वफा का दर्स किसी को याद नहीं, अब कोई यहाँ गांधी नेहरू अशफाकुल्ला आजाद नहीं। जो कहते हैं तुझको दिलदार,
जो कहते हैं तुझको दिलदार, वही है सरतापा मक्कार। खुदा ही खैर करे, खुदा ही खैर करे। और हम लोग को शिकवा गैरों से, जैसे कि पाकिस्तान, चाइना, इन सब देशों से। लेकिन मैं कहना ये चाहूँगा कि बेकार है शिकवा गैरों से, कि बेकार है शिकवा गैरों से, कब अपनों ने छोड़ा तुझको। कि बेकार है शिकवा गैरों से, कब अपनों ने छोड़ा तुझको। तू हाथ लगा है जिसके भी, उसने ही निचोड़ा है तुझको। तू हाथ लगा है जिसके भी, उसने ही निचोड़ा है तुझको। कहें ये किससे दिल की बात, कहें ये किससे दिल की बात, बड़ी मजलूम है तेरी जात। खुदा ही खैर करे, खुदा ही खैर करे। और हम लोग को सोचना होगा कि मेरे भारत का जो तरक्की कैसे हो, मेरे हिंदुस्तान तरक्की की बुलंदी पे कैसे पहुँचे। के अब कैसे तरक्की हो तेरी, अब कैसे हो ऊंचा नाम तेरा। अब कैसे तरक्की हो तेरी, अब कैसे हो ऊंचा नाम तेरा। ये सोच के दिल घबराता है, क्या होगा भला अंजाम तेरा। ये सोच के दिल घबराता है, क्या होगा भला अंजाम तेरा। के घोटाले और रिश्वत का रोग, घोटाले और रिश्वत का रोग लगा बैठे हैं सारे लोग। खुदा ही खैर करे, खुदा ही खैर करे। कि कल अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराया था जिसने, कल अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराया था जिसने। खून दे के तुझे ऐ खाक वतन गुलजार बनाया था जिसने। खून दे के तुझे ऐ खाक वतन गुलजार बनाया था जिसने। ये दहशत गर्दी का इल्जाम, ये दहशत गर्दी का इल्जाम, मिला है खूब इसे इनाम। खुदा ही खैर करे, खुदा ही खैर करे। कि क्या ख्वाब यहीं कल देखा था, क्या ख्वाब यहीं कल देखा था आजादी के मतवालों ने। क्या ख्वाब यहीं कल देखा था आजादी के मतवालों ने। क्या ख्वाब यहीं कल देखा था आजादी के मतवालों ने। अपने हाथों से अपनों का पानी की तरह से खून बहे। हर एक दिल पर है, हर एक दिल पर है ताबिश आज, अदावत और नफरत का राज। खुदा ही खैर करे। देखिए, मैंने इन सारी लाइनों में आप लोगों को सब कुछ समझा दिया है। आप लोग खुद समझदार हैं, क्या करना है हम लोग को, किस तरह अपने हिंदुस्तान को बचाना है डूबने से। ये अब हम लोगों को सोचना है। और बिल्कुल जिस तरह बहुत पहले ये लाइन लिखी गई है और मुझे मिला और मैंने पढ़ी, तो मुझे लगा कि नहीं, बिल्कुल मेरे यहाँ का माहौल बिल्कुल ऐसा है। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, आगे तक वीडियो पहुँचाएँ ताकि दूसरों को भी वीडियो देखने का मौका मिले। अल्लाह हाफिज़।